बगावत। पहुंच गए होटल में एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पहले कभी नहीं किया और ना ही शायद आगे भी कर पाएंगे। एक्चुअली हमने प्लान नहीं किया था, ऑन द स्पॉट सोचा ये करते हैं वो करते हैं। देख ही लिया आपने वीडियो में कि हमने स्कूटी हायर करी। स्कूटी में तो मैं पंकज के साथ कभी बैठी नहीं है ना। पंकज स्कूटी में बैठना ही इतना अजीब लग रहा था और पंकज को भी तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा है ना एडजस्ट होने में, और उसके बाद तो फिर हमने भगाई स्कूटी और मजा आ गया मतलब। और ये जो टीका है वो हम गए थे त्रिवेणी घाट पे। बेस्ट पार्ट था आज का वो थी आरती, गंगा जी की आरती। बहुत मजा आया, वो फील ही अलग था। एक्चुअली इसकी बैटरी खत्म हो गई थी कैमरा की। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आज का दिन बहुत अच्छा था और कल वी आर गोइंग टू टीरी। तो अभी तक तो फाइनल है, जाना ही है, तो कल देखते हैं। आज तो मतलब मस्त मजा आ गया। कुकू मेला भी था, घर में ही था, होटल में ही था। हम लेके नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में तो वी वॉन्टेड टू अवॉइड टेकिंग कुकू, क्योंकि बच्चों के लिए वो जगह है भी नहीं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा 2-3 साल का, तब हम एक बार के लिए सोच सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल बहुत मस्त था, वो एक्सपीरियंस किया जो हमने आज तक नहीं किया था। सो इट वॉज गुड। That's it for today. See you tomorrow. We'll take rest and subscribe to my channel if you haven't done it yet. The next morning. Hey guys, good morning. Now we are not in Rishikesh. हम ऋषिकेश से निकल चुके हैं, हम बीच रास्ते में हैं एंड वी आर गोइंग टू टिहरी। ऋषिकेश से टिहरी 2 घंटे का दिखा रहा है, नॉन स्टॉप चल रहे हैं और कोई जाम नहीं मिलता है तो 2 घंटे लगेंगे, और जाम मिल गया तो ऑब्वियसली ज्यादा लग जाएंगे, बट 2 घंटे हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, सो अभी तक हमें निकले हुए 15-20 मिनट हो गए हैं एंड अभी तक सब रास्ता एकदम चकाचक मिला है। हम सोच रहे हैं ऐसा ही मिलेगा आज। We hope for the best and देख के पहले मैं रास्ता देख लूं। पंकज बाद में देखता है, पहले मैं देखूं। हां ये कर लो पहले। न्यू टिहरी जा रहे हैं एक्चुअली। हम सोच रहे थे कि क्या करें ऋषिकेश में, और तो हमने सोचा टिहरी चलते हैं। हमने पहले भी सोच रखा था कि वहां स्टे करेंगे, बट वी थॉट कि ऋषिकेश स्टे करते हैं, टिहरी घूम कर आ जाएंगे। सो वो हमने कल सोचा एंड या लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस।
वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमी न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें. Much, much, much later. Hey guys, welcome back. We reached at Noida. Actually, मुझे कुछ information भी देनी थी. हमने जो trip में चीजें करी हैं, जो चीजों का ध्यान रखा है, उससे हमारा trip बहुत ही one of the best trip बन गया. So I will tell you the things. First is go on weekdays. फर्स्ट डे हम जब पहुंचे तो हमने रात को जो होटल लिया, एक्चुअली दैट वाज नॉट होटल, दैट वाज अपार्टमेंट. आपने खैर वीडियो में भी देख ही लिया था. एंड आई जस्ट फेल्ट इट वाज अ बेस्ट डिसीजन. कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे था कि इस बार ही जाएंगे तो हम अपार्टमेंट लेंगे, और लकीली हमें बहुत अच्छा वाला अपार्टमेंट मिला. दैट वाज लग्जरी अपार्टमेंट, कॉस्टेड अस लेस बिकॉज हम वीकडेज में गए थे. वैसे तो कहीं भी जाओ आई वुड प्रेफर कि वीकडेज में जाओ. थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे भी खैर वीकेंड हो जाता है, थर्सडे या वेंसडे जाओ. हम गए थे वेंसडे तो हमें और ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ गया था. एंड देन हायर स्कूटर और बाइक और एनीथिंग यू वांट. तो हमने वहाँ पे कर ली थी एक स्कूटी एंड इट कॉस्टेड अस 400 फॉर अ डे, और 150-200 का उसमें पेट्रोल लग गया था. सो 400-500 में घूम सकते हो और स्कूटी राइड ले सकते हो, मतलब जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो. पंकज वांटेड कि वो बाइक हायर करे, बट बाइक था 1400 रेंट था. मुझे लगा नहीं इतना महंगा क्या करना है. सो या स्कूटी वॉज बेस्ट ऑप्शन. थर्ड वन इज अपार्टमेंट लोगे तो वो बेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने खुद कुक करा. और एक्चुअली हमें बाहर से हम जब भी मंगवा रहे थे ना, तो हमें बेस्ट खाना नहीं मिला इस बारी. डिनर तक घर में बनाया और ब्रेकफास्ट घर पे बनाया, मतलब अपार्टमेंट पे. वो तो मस्त था. अभी ऐसा हमने नहीं किया कि हम बाहर कहीं घूमने गए, हम खुद बना रहे हैं. एंड पंकज लव्स टू कुक. बेस्ट पार्ट इज हम शायदा को भी साथ में लगे थे, कुकू की केयर टेकर है, उसको साथ में ले जाना वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हो गई. हम दोनों अकेले बाहर जा सकते थे. इट वॉज लाइक हम बैचलर है और हम ऐसे घूम रहे हैं, तो वो अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मस्त. थर्ड वन इज कि जो आपको गंगा आरती देखनी है वो त्रिवेणी घाट पे जाके देखिए. थोड़ा दूर पड़ता है वो, 20 मिनट के अराउंड पड़ता है तपोवन से. तपोवन में हमारा अपार्टमेंट था, लेकिन वहाँ जाना वर्थ था. मतलब वो जो आरती होती है, वो जो माहौल होता है, पीपल वर डांसिंग, अलग ही लेवल का जो माहौल मिलता है ना वहाँ पे, यू वोंट गेट एनीवेयर एल्स. और ये फर्स्ट टाइम था. मैं अपनी इंस्टाग्राम में वीडियोज वगैरह डालती हूँ, यू कैन फॉलो मी देयर. उसके बाद हम गए टिहरी.
तो हमें लगा शायद हमें टिहरी सबसे फर्स्ट डे जाना चाहिए, अगर इतना दूर भी नहीं था, 2-2.5 घंटे में हम टिहरी पहुंच गए थे। सो 2 घंटे और लगा के चलो तो हम डायरेक्ट टिहरी पहुंच सकते थे। और फर्स्ट डे हम टिहरी अच्छे से घूमते, जो हमें बहुत कम टाइम मिला। वहाँ पे एक एक्रो फेस्टिवल भी चल रहा था, जहाँ पे बहुत से मतलब रात में वो लाइव शो वगैरह सब कुछ हो रहा था, यूफोरिया आ रहे थे जिस दिन हम गए थे। बट वहाँ पर टाइम नहीं था क्योंकि हमें वापस ऋषिकेश जाना था। तो एक दिन आपको टिहरी को भी देना चाहिए, बिकॉज वो लेक जो है, वो डैम बहुत अच्छा है, फ्लोटिंग बोट वगैरह है, सब कुछ मस्त था, व्यू बहुत अच्छा था। बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए हमने फटाफट सब कुछ किया। बट या इट वॉज ऑन एंड ऑल, क्या बोलूँ, बहुत बार बोल दिया, एक बहुत अच्छा ट्रिप था। नेक्स्ट टाइम कभी टिहरी जाना हो तो हम डायरेक्ट टिहरी जाएंगे, और आते वक्त हम ऋषिकेश रुकेंगे। अच्छी चीज़ें थी, और जो कुछ कुछ लूप होल्स थे हमारी ट्रिप में वो मैंने बता दिया। बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप भी अगर बनाओ ट्रिप तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। और या दैट्स इट फॉर द डे। और हाँ, वो जो स्पीड बोट वगैरह थी उसके अलग अलग रेट थे। हमने जो किया था वो 2 लोगों की थी, जो 3,000 में थी। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कई बार होता है कि हम वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ थी घूमने की चीज़ें, ऑब्वियसली होगी, तो मुझे कैफेज़ वगैरह ये सब चीज़ें बताना। और नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो ज़रूर उस जगह पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। Bye.